सर नौबतपुर थाना से है ना आप? जी मैं समीर चौधरी बात कर रहा हूँ सर। वेद प्रकाश को जानते हैं? द एक्टिविस्ट न्यूज चैनल चलाते हैं। इनका कहना है कि हम जानते हैं कि कौन तोरा है, तो काहे नहीं पूछताछ किया जा रहा है इनसे? पुलिस तो बता दो, पुलिस की सहायता करो। करता हुआ ही सब सर, ई सब हम अपने हेलो हेलो हाँ जी सर नमस्कार, नौबतपुर थाना से है ना आप? जी मैं समीर चौधरी बात कर रहा हूँ सर। जैसे सर जानकारी हमसे ये लेना था कि कहाँ पे सरासत? नहीं नहीं सरासत गांव में जो सर अभी जो पुतला टूटा हुआ है भीम बाबा जी का, जैसे आज हमारे पत्रकार गए हुए थे पुलिस मुख्यालय में, एडीजी साहब को तो इस विषय में जानकारी ये नहीं है कि कहाँ पुतला टूटा हुआ कि नहीं टूटा हुआ, इस विषय में थोड़ा सा आपसे जानकारी चाहिए था हमको। यही कि आपके थाना में कंप्लेन हो गया ना इस विषय में? केस उसी दिन दर्ज हो गया। हाँ, केस उसी दिन दर्ज हो गया था। मतलब कहाँ तक पहुँचा सर इसका, थोड़ा सा हल्का फुल्का कुछ डिटेल अगर दे सकते हैं? रोड है, खेत बता रहे किनारे, रोड किनारे बना है, ठीक है। अच्छा अच्छा, गांव से दूरी इसकी, अगल बगल गांव घर रहता है, थोड़ा कोई पता ही बताता। अच्छा, वेद प्रकाश को जानते हैं सर? वेद प्रकाश को जानते हैं? द एक्टिविस्ट न्यूज चैनल चलाते हैं। इनका कहना है कि हम जानते हैं कि कौन तोरा है, तो काहे नहीं पूछताछ किया जा रहा है इनसे? कौन वेद प्रकाश है? ये वेद प्रकाश एक्टिविस्ट, हाँ हाँ एक्टिविस्ट न्यूज चैनल चलाते हैं। चलाते हैं तो वो उन्हीं से पूछिए क्या कहते हैं आपसे। हम तो पूछे हैं, हम पूछे हैं। क्या बोले? क्या बोले? वो कहे कि हम जानते हैं कि कौन तोरा है। बता दो, बोले तो बता दो, पुलिस की सहायता करो। करता हुआ ही सब सर, ई सब हम अपना दाल रोटी के चक्कर में। यहाँ तो न कैमरा है, न कुछ है, न अगल बगल घर है, न द्वार है। कल तो दिन भर दीपांकर भट्टाचार्य आए, तो दिन भर अरे गांव घर इधर उधर हम लोग घूमे, हम खुद हम आए। हम समझ सकते हैं सर, परेशानी इसमें सबसे ज्यादा आप ही को हो रहा है, प्रशासन को भी परेशानी होता है इस सब चीज में, हम जान सकते हैं। लेकिन हमारा का नाम है ना सर, हम आपके साथ हैं, आपका छोटा भाई है। लेकिन हम चाहते हैं सर कि मूर्ति बनवाना चाह रहे हैं सर, आपका आदेश अगर आप लोग का आशीर्वाद रहे ना तो कुछ कर सकते हैं। मुखिया जी लगे हुए हैं, मुखिया जी का नंबर देते हैं, जब दूसरे जैसे हेल्प करना चाहते हैं। हाँ। तो कह रहे हैं कि सर ये लोग सीमेंट के बनवाया, हम सोच रहे थे कि ग्रेनाइट के बनवा देते यदि हेल्प होता तो, ठीक है। मतलब चाहते हैं कि हाँ हम लोग हेल्प करें, हम लोग सर मदद करें। तो मुखिया जी से संपर्क कर लीजिए, हेल्प कर लीजिए, अच्छा बन जाएगा। वो तो बोले हैं मुखिया जी की सर विदाउट स्टेट का हम स्टेट भी सोच रहे हैं बनवा देते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। वाह, मतलब भगवान करे ऐसा हो जाए। नंबरवा बताइए ना सर। हाँ, मुझे बात कर लीजिए, हेल्प कर लीजिए। जी तो जी सर, नंबर बताइए ना सर। अच्छा है, आप कहाँ से बोल रहे हैं? हम पटना से बात कर रहे हैं, समीर चौधरी नाम है सर हमारा, हम भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, समीर चौधरी कलाकार है, हम वहाँ गए भी थे। लाठी बहुत लोग आए लेकिन कहा कोई घोषणा कुछ नहीं किया, लेकिन सब अपना अपना लोग बस सब रोटी सेक ले सर, ये सर सब रोटी सेक लवा समीर चौधरी ई है ना कि कल हाँ जो जेकरा करे के है करे दीजिए, लेकिन हमरा का नाम है कि अगर हमार राम भगवान के मूर्ति अगर गिरल है या भीम बाबा के गिरल है तो हम दोनों का मूर्ति उठेबे, हमनी को समाज में लेके सबको चलना है। हम लोग के लिए ना तो कोई हिंदू है ना तो कोई मुसलमान है। चाहते हैं कि आपको हम नंबर देते हैं वेद प्रकाश जी का, आप एक बार अपने थाना के माध्यम से, क्योंकि रिपोर्टिंग आपके यहाँ गया हुआ है, तो आप उनको जरूर फोन करके बोलिए कि आपको पता है ना कि कौन मूर्ति गिराया है, आप बताइए कि मूर्ति कौन गिराया है। हम कर दे रहे हैं सर। जय हिंद सर। मुखिया से बात कर लीजिए कि हमको कहाँ से नंबर मिला है, मनोज जी दिया है। हम कह देंगे मनोज सर दिए हैं नौबतपुर थाना से। हेल्प हम भी कुछ करना चाहते हैं तो हमसे मदद हो तो ले लीजिए। ठीक है सर, हम नंबर दे दे रहे वेद प्रकाश जी का, जरा आप बात कर लीजिएगा। ठीक है सर, जय हिंद सर। हेलो, हाँ जी, हाँ नमस्कार मुखिया जी। जी जी नमस्कार, नौबतपुर थाना से आपका नंबर मिला है, हम समीर चौधरी बात कर रहे हैं। जी
जी जी नमस्कार, बताइए। कह रहे हैं सर कि हमारे भीम बाबा अम्बेडकर जी का जो मूर्ति टूटा हुआ है, हम वहाँ गए थे रिपोर्टिंग के लिए, रिपोर्टिंग की हम तो मूर्ति बनावे के लिखा, लेकिन गांव वाला सब मना करके कि नहीं बनाना है, थोड़ा सा है कि महापुरुष से तो पता चला कि आप मूर्ति बनवा रहे हैं कि लगवा रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि हम आपका सहयोग करें, क्योंकि आप जैसे महापुरुष जब खड़ा है तो हमने भी एगो छोटा भाई आपका है, छोटा बेटा है, चाहेंगे कि हम लड़े हैं वहाँ जाके। वेद प्रकाश को जानते हैं सर? वेद प्रकाश जी को हाँ जानते नहीं है, बहुत वो जानते हैं, बढ़िया जानते हैं। वेद प्रकाश जी जो आ रहे हैं अभी कम्युनिकेशन कर करके अभी आ रहे हैं, वही ना। एगो वेद प्रकाश हवा की झंडू छाप टाइप के हवा, खाली दलित से पूछा हुआ, आप चमार है जी, आप पासी हैं, आप तारी उतारते हैं, ये सब 2025 के वोट बैंकिंग बटोरा हुआ, टीए चलावा हुआ, द एक्टिविस्ट न्यूज चैनल। हाँ, तो कौन वेद प्रकाश की बात? यही वेद प्रकाश के बोली थी हुआ, जो हमेशा सब दलित के दलित कहा हुआ। ये सबको वहाँ जाना ना चाहिए, जब भीम बाबा के हाथ पे आप मूर्ति बनवाए हैं तो आपको जाना चाहिए वहाँ, क्या सर? चलिए कोई बात नहीं, आप लोग जैसे महापुरुष अगर हैं तो हम लोग आपका भाई छोटा खड़ा आप ही लोग से देख के सीखते हैं, तो चाह रहे थे भैया मदद कर, जैसे उस दिन भी गए थे हम सामान उमान लेके, हम मतलब बनाने के लिए ही है ना, लेकिन हमको रोक दिया गया, तो हम भी मना कर दिए कि यहाँ कोई मीडियाबाजी नहीं होना चाहिए, इससे हमारे गांव का नाम खराब हो रहा है, सरासत गांव जो है वहाँ पे लोगों को मतलब, और जो कंट्री में लोग देख रहे हैं या जो भी राज्य में लोग देख रहे होंगे वीडियो, ये नहीं कहेगा कि सरासत गांव मऊगा का गांव होता ना, भीम बाबा का तोड़दल को मूर्तिया, कमेंट करने वाला की कोई दिक्कत है, कैसे कर सका है सर हमारा, जैसे फोन कटेगा ना एक बार समीर चौधरी यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, एकदम चिन्ह जाइएगा। अरे वो सब तो आपका व्यक्तिगत बात है, आप रहिए, लेकिन बस हम यही चाह रहे हैं कि मूर्ति वहाँ जितना जल्द से जल्द लग जाए, 15 दिन ही तो 20 दिन हो, कर ही दिया ऑर्डर, बोला कि 20 दिन लगेगा, ठीक है ना, समय चूंकि वो फिनिशिंग देता है। और सुनिए ना ये मुखिया जी, सुनिए ना मुखिया जी, हमारा का नाम है कि एगो वेद प्रकाश नाम के जो व्यक्ति का आपको नाम लिया, ये व्यक्ति को पता है कि मूर्ति कौन तोड़ा है, ठीक है, ये आदमी बोल रहा था हमको कि मूर्ति जो तोड़ा है हमको पता है कि कौन तोड़ा है, तो हमको दीजिएगा। हाँ दम नंबर आपको भी देंगे, हम अभी थाना प्रभारी जी को भी दे रहे हैं नंबर, ताकि उनसे पूछ लिया जाए कि आपको कौन कैसे पता है कि मूर्ति कौन तोड़ा है, बताइए, पुलिस का मदद कीजिए, वेद प्रकाश जी का नंबर दीजिए, वो तो मतलब उठाते हैं मुर्दा देख रहे हैं कि अभी बोल के अभी जानते हैं। सुनिए मुखिया जी, अभी हम उनका ऑडियो वायरल किए, हम उनसे पूछे थे फोन करके कि आप जो दलित आवाज उठाते हैं, जो आप मांझी जी इन सब के लिए जो वोट बैंकिंग बटोर रहे हैं, आपके दलित के भगवान हमारे मतलब भीम बाबा अम्बेडकर का मूर्ति टूटल है, आप कहे नहीं गए, तो हमको बोल रहे हैं कि हम सही उठाए, सही समझिए, आप देखिए आप लोग जो क्या है ना, बेसिक चीज है, वो लोग हाईलाइट अपना खाली होना चाहते हैं, बस वो चैनल वो अपन 10 गो मुड़ी के पैसा देवे के चक्कर में वो चैनल चमका भाई, हिया भैया हमार देखिए शर्म आना चाहिए वैसे वैसे कुछ लोगों को कि देखिए भैया आप मुखिया जी होके इतना लगा दिए, आप नंबर दीजिए ना, हम खिंचाई करेंगे ना, वो सबको कहता है ना कि ऐसे बोलो, ये मुखिया जी का हुआ, हाँ सुनिए ना मुखिया जी, आपके गाँव में गए ना, ये मुखिया जी आपके गाँव में गए, इतना इज्जत मिल रहा ना कि एगो दो चार गो स्वर्ण समाज के लोग आके हमारा ऐसे बोले, तो कहा समीर भाई जय श्री राम, बोली जय श्री राम, तो हम बोले जय भीम भाई, तो लोग बोलते हैं जय भीम, ये दिल जीत लिया भैया, कोई गलत नहीं किया, कोई व्यक्ति रात के अंधेरे में, ना ना हम सुनिए ना कॉपरेट करेंगे, देखिए हम ही लोग हैं कि ये है, ठीक है ना, हम आपका नंबर भी ले लेते हैं और उसका भेजिए वेद प्रकाश जी, भेज दे रहे मुखिया जी, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो भैया देखिए ये सरासत के थाना प्रभारी भी थे जिनसे हम बात किए, उसके बाद वहां के मुखिया जी से मैंने बात किया, और जिस व्यक्ति को ये जानकारी है वेद प्रकाश जी को कि मूर्ति किसने तोड़ा है, तो भैया तोरा खोजबीन जो तोड़कावा है ओकर करवाना आपका काम है कि कौन तोड़ा है, तो खोजबीन करवाइएगा ना, ये जो हथवा पे जो आप फोटो बनवा घूमते हैं लगना चाहिए लोग के, बस इसी के साथ हम चाहते हैं कि सब समाज एक रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब चारों हमनी भाई भाई, जय भीम जय सियाराम।